हम लोग आ गए पानी लिम पे। ये थोड़ा सैंड अभी सूख गया, एग्जैक्ट वाइट सैंड है ये, मस्त लग रहा है। धूप बहुत अच्छा है, बहुत ही पीसफुल है। सब पालोलिम बैक वाटर्स में अगर आपको करना है, यहाँ पे ईगल फीडिंग होती है, मैंग्रोव सब तक अंदर लेके जाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है, एक घंटा कराया उसने। मैं इनका नंबर डाल दूंगा, आप डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हो। भैया भी बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेट करते हैं बहुत। डन कितना देर? एक घंटा है अभी। 9:30 को वापस आना चाहिए। और पानी का फ्लो ऐसा उल्टा पुल्टा हुआ नहीं है, आ जाएगा ना? पूरा काम। अच्छा, रिवर की तरफ तो उधर तक कैसे जाएंगे? वो तो खींच के वापस अपने पास आगे लेते। थैंक यू, बैठो आप, बैठो, मैंने पकड़ा, बैठो। ओके, कैसा लग रहा है? अरे पूरा भिगा दिया, पूरा भिगा दिया, अंदर तक भिगा दिया। अरे भाई साहब, एक और, एक और। हाँ स्टार्ट कर दे, स्टार्ट करो। अरे रुको रुको रुको, आप पहले एक ब्लैक में पकड़ो दोनों, ऐसे दूर दूर। हाँ अभी राइट राइट, वेरी गुड, लेफ्ट, हाँ राइट लेफ्ट लेफ्ट। चलो राइट लेफ्ट। अरे मैं कर रहा हूँ। कहीं भी चलो, सब जगह चलो। अच्छा हाँ हाँ, अरे वाह, ना चल, नाविक थी क्या? वो पुराने राजा महाराजा करते थे ना, मुझे वो क्या नाविक पसंद आ गए। भाई साहब वो पे पहला आया, मेरे चड्डी पड्डी सब गीला कर, मुझे क्या मालूम था ऐसा होगा। मुझे लगा शांति से वो भी साथ में रहेगा। टर्न टर्न लेफ्ट लेफ्ट, या लेफ्ट पेडल क्यों मार रहे हो? छी, नमक वाला पानी गया था मुंह में मेरे, पूरा शरीर नमक नमक हो गया है। मेरे भी हाथ में अभी अभी लगा, वहां जल रहे। घर जाएगा तेरा। इधर देखो, इधर मुंह देखो। चल चालू है, बस आप बाइक की तरह पकड़ेंगे, फास्ट फास्ट जाएंगे। हाँ लेफ्ट राइट, वेरी गुड, लेफ्ट राइट लेफ्ट। बहुत दूर आ गए यार, यहाँ से चलते अपने बीच। लेफ्ट राइट, चलो भैया चलो, लेफ्ट राइट। अरे भैया आगे से राइट लो। हाँ लेफ्ट का पेडल मारो, राइट लेना ना, ये भैया कुछ समझता नहीं है भैया। हाँ चलो चलो,
हम लोग करते करते इतना दूर आ गए कयाक, यहाँ सब कयाक ही कयाक है। अभी ये आइलैंड आसपास है, यहाँ पे जाएंगे जाएंगा जाएंगा। कितना डीप है ये पता है क्या? इसमें कयाक जाएंगा पूरा तेरा। चलो कयाक रेस लगा रहे हैं हम लोग। चलो बोलो, हमसे पहले निकले थे, फिर हम लोग वॉशरूम गए बाद में। अभी हमारे साथ में तोड़ मत देना भैया। हमने एयरबैग पहना है। हाँ भैया, मस्त मजा आ गया। अगर आप आ रहे तो कयाकिंग करो, पालोलेम बीच आ जाओ। एक दिन का काम है पूरा, बैक वाटर्स कर लो, ईगल फीडिंग कर लो। और चलाओ चलाओ, वीडियो आ रहा है। हाँ चलो देखो हम लोग कितना दूर आ गए। चलो लेफ्ट राइट, चलो लेफ्ट राइट, चलो लेफ्ट राइट। देखो चालू है वीडियो, लो करो जो करना। समंदर में नहा के थक गई। ये दो एक आइलैंड है और यहाँ पे एक आइलैंड है, दो आइलैंड है। हम लोग अभी बीच में जाएंगे दोनों के। यहाँ पे हम लोग एकदम आराम से चिल मार रहे समुंदर में। एक्चुअली समुंदर का पानी अपनी तरफ खींचता है, इसीलिए बोला जाता है कि इस पर स्विम करना या कुछ भी करना ईजी नहीं होता, ये अपनी तरफ खींचता है। हम उस वो पत्थर से चलते चलते यहाँ आगे तक कहीं पहुँच गए थे, फिर हमने छोड़ दिया चलाना। और चलाना छोड़ दिया तो वेव्स ने अपनी तरफ वापस इतना दूर हमें खींच लिया, इतना थोड़ा सा। भैया बहुत सॉल्टी पानी है, अपना मुंह वो बांध के बहाना जब भी आना। अंदर नमक का पूरा ढेर लग गया ना मुंह में। क्या क्या वापस बताओ? मेरी गाड़ी मत खराब करना, आप ऊपर बैठ जाओ सूख जाएगा। ये लहर आ रहा है, लहर आ रहा है। ये देखो बबल, लेफ्ट लेफ्ट। अरे आप कहाँ कर लिए? अभी हम लोग आए यहाँ पे खाने, सुबह भी इधर ही खाए थे, बहुत अच्छा खाना। इडली वड़ा सांभर डिप।
हालत बेहाल है यहाँ पे भूख से। मैसूर मसाला डोसा ट्राई करो। पुलवा बीच जस्ट सनसेट यहाँ पे देखेंगे अभी आराम से बैठ के। अच्छा बीच है, मतलब पार्किंग फैसिलिटी भी है, पब्लिक भी कम लग रही है अभी, वो तो अंदर जाके मालूम पड़ेगा कितना है क्या है, पर फर्स्ट इम्प्रेशन तो ऐसा है कि ठीक है, अच्छा ही लग रहा है। बाघा और जितना वो नहीं है। वो देखो वहाँ पे कोई पैरासीलिंग कर रहा है, कपल में हो रहा है अभी, बहुत नज़दीक नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है बीच पे उतर जाएगा वो। वेज का ये तो दारू वाला बर्फ है ना अंकल, दारू वाला बर्फ है ना ये। एकदम अच्छा, वैसा गोल गोल बर्फ उसे तभी आते हैं ना, उसमें ही आते हैं। आप खरीदते हैं अंकल क्या बर्फ? हाँ वो तो है, सब लाना पड़ता है सर। ये देखो बनाने का कोई नहीं, सब कंपनी से। यस पहला क्या वो रंग गिंग डाल के बना देते हैं। हाँ अभी वही भाव से कोई आदमी पूछता है हाँ। इतना पैसा क्या ये जूस के, वो बहुत महंगा है। हाँ असली फ्रूट का बनता है, एक मिक्स एक काला गट्टा, काला गट्टा दे रही है, एक काला गट्टा एक मिक्स है। सबसे ज्यादा कौन सा बिकता है अंकल? ज्यादा ज्यादा काला, सबसे ज्यादा काला खट्टा बिकता है, ज्यादा काला खट्टा, ज्यादा काला खट्टा मिक्स। अरे आ गया इधर मसाला, अच्छी उसका मसाला। ऑरेंज डाला अंकल? ऑरेंज अरे नहीं डाला, पर थोड़ा खा लो बाद में। ऑरेंज तो सबसे मेन, देखो रुको दूर दूर, वाह ये तो कलरफुल है, कलरफुल है तो आपका। ऐसा ही हम लोग गोवा गोला एंजॉय करते हैं एट गोला एट कोलवा। ये वाइट सैंड है। हाँ यार एकदम वाइट सैंड है। ब्रिज बना है, किड्स प्ले एरिया, तो कपल लोग अपने बच्चों को वहाँ छोड़ के यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। पानी नीचे देख क्या, यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स हो रहे हैं, अभी हम लोग सनसेट का भी मजा लेंगे थोड़ी देर में। देखो पप्पी पप्पी कहाँ पे, कुछ मंगाना पड़ता उनसे।
और सैंड कैसल बना रहे हो? अच्छा बीच है, कोलवा बीच है, तो वाइट सैंड बीच है पूरा, ऊपर से यहाँ पे भी सनसेट हो रहा है, ज़्यादा क्राउड भी नहीं है, क्राउड पूरा उस तरफ है, वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स हो रहा है बस उतना ही। कुत्ता बोल रहा था, इधर मैं पॉटी किया था थोड़ी देर पहले, मेरा जगह ले ली। ये पहाड़ बना रहे हो कि सैंड कैसल बना रहे हो? ये तो पहाड़ हो गया। हाँ तो थोड़ा ऐसे ऐसे कर दो ना। अरे रुको, अरे गाड़ी में, अरे रुको। हाँ ऐसा जो बीच का है ना इतना हटा दो, देखो सैंड कैसल बन गया, देखो ये देखो, तो यहाँ बीच में लोग रह सकते हैं, है ना? अच्छा अपने हिसाब से लो, ये लो, ये लो बना लो, डाल दूँ? जो रेती भरी जा रही है उसे, वेरी एम्प्टी, नो क्राउड, पीसफुल। हमने वहाँ पे कुछ नया ढूंढ लिया, वो जो हो रहा है वहाँ पे फैन वाला पैरा सेलिंग हमने देखा था जा रहे हैं केरी बीच यहाँ से बहुत दूर है, ये यहाँ पे क्या बोलते हैं बेतुल पट्टी में हो रहा है, बेतुल पट्टी। लेट्स गो। नहीं, एक ही काफी है दीदी, नीचे से बना लो ना, जब वो नहीं करेगा तो अच्छा दिखता है। आप डाल देना फिल्टर। वारका इसके आगे है क्या? वारका है भैया, हाँ इसके आगे है। वारका उस तरफ है, इस तरफ है? वारका ये इस तरफ, जिधर जा रहे हैं। और जो आप वो बोल रहे हो पट्टी किधर है आगे? अभी नहाने का नहीं ना इसको लगा के? ना शाम को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, अपने आप निकलते हैं फिर। नहीं ये रहेगा, खोला है, खाना है ना?
हाँ इतना बाल कट कर देने का ना आंटी लग रहा है हाफ सनसेट है कोलवा बीच का। ये तीन लाइन क्या है, ये कोई बताएगा कमेंट में, तीन लाइन क्या है, कैसे आ रहा है वो तीन लाइन? ये लाइफ से लाइफ है, वो ऐसे है। उधर से उधर उधर तैर रखे बीच में गए इतने ही मोटी नहीं। हाँ अच्छा सनसेट एट कोलवा बीच मस्त मस्त ऐसे वॉक करना है। सागर किनारा प्योर वेज होते हैं एकदम कोलवा बीच के पास में है। मैडम ने ब्लीडिंग करा दिया है बालों में, पड़ा के ट्राई करके बताओ। इसके ऊपर एक है तंदूरी रोटी, अगर अच्छा होगा तो और मंगाएंगे कुछ ना कुछ। नहीं होशियार लड़की है जी, प्लेट में रोटी रखने से मैं सब्जी निकाली जी। हाँ क्या हो गया, अच्छा है दाल फ्राई। अब भी हम लोग निकल रहे हैं रूम के लिए और अब मिलता हूँ कल सीधा डेल्टिन जाते टाइम। सो नेक्स्ट ब्लॉग देखिएगा ज़रूर, उसमें हम लोग डेल्टिन के बारे में बताएंगे, डेल्टिन जाना कैसे, क्या करना है सब। स्टे ट्यून्ड, बाय।